हेलो गाइस, मिस्टर छोटू नेवर लाइज। जैसा कि हम अभी जा रहे हैं रुमली, एक जगह है, चश्मा है वहाँ पे, उस चश्मे से पानी लेके आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना, उस चश्मे का आपको विज़िट करवाएंगे, और जाते जाते जो एरिए वहाँ पे हैं, जो आबादियाँ वहाँ पे हैं, जो गांव वहाँ पे हैं, उनके विज़िट करवाएंगे। तो ये हम घर से निकलने लगे, ठीक है, लेट्स गो। यूनिवर्सिटी की किताब है, यहाँ से हम लेफ्ट होंगे और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ेंगे। ये देखें, हम रुमली की तरफ आ गए, चश्मे की तरफ, और बहुत अच्छी। पहले तो खस्ता हालत में ये रोड थी, और अब जो है ना, हुकूमत ने इस रोड को बड़ा अच्छा बना दिया है। हम मीठे की चढ़ाई चढ़ने लगे, ये बड़ी मशहूर चढ़ाई है, ये मीठे की चढ़ाई है, ये हम मीठे की चढ़ाई चढ़ने लगे। नाजरीन ये देखें, ये हम जो है ना, इस टाइम खूबसूरत हिल्स के दरमियान खड़े हैं। ये मेरी तरफ भी छोटी सी आई है, हम अब हिल्स की तरफ आगे, मरगला हिल्स, और यहाँ पे जाना है हमने। ये यहाँ पे चश्मा है, ठीक है, उस चश्मे में जाना है। ये आबादी देख सकते हैं, छोटे छोटे से अपाइज रुमली गांव है, और ये दूसरे तीसरे गांव हैं, ठीक है। ये मेरा बाइक खड़ा है, और ये मेरा कज़न खड़ा है जो मेरे साथ आया, व्लॉग बनाता है। ये जा रहा है जी हमारा, देखें कितना अच्छा जो है ना गाँव है, और ये वो जा रहा है पानी जिसमें हम नहाते होते हैं। रेनिया हमने बाइक खड़ा कर दिया, और ये अब जा रहे हैं हम उस चश्मे की तरफ, ठीक है। ये देखें, ये पानी बिल्कुल साफ सुथरा पानी, ये आपको इसमें सूरज भी नज़र आता हुआ देखेंगे। और ये हम अब जा रहे हैं पाँच चश्मे की तरफ, और बहुत अच्छा इस टाइम सर्दियों का मौसम है, और इस चश्मे में जो है ना, नीम गर्म पानी होगा, ठीक है ना। नाज़रीन ये जो पानी है आपके सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो गांव है, इन्होंने पहले पाइप लाइन लगाई थी अपनी घर के लिए, ठीक है, अपने घर के लिए पाइप लाइन लगाई थी कि यहाँ से हमारे घर की तरफ भी जो है ना पानी जाए। जब पाइप लाइन उन्होंने लगाई तो ये पानी सूख गया। इस गांव ने पाइप लाइन लगाई थी और ये पानी सूख गया था। इस पानी में छोटी छोटी आपको मछलियाँ भी नज़र आ रही होंगी, और आपको पाइप भी नज़र आ रहा होगा जो इन्होंने लगाया था। अब बेसिकली वो पाइप बंद हो गया, तो पानी वापस चलना शुरू हो गया है। सारी ज़िंदगी आप यहाँ से पानी भरें, टैंकों के हिसाब से भरें, ये पानी ना ज़्यादा होता है और ना कम होता है, जितना है ये इतना ही रहता है। और ये इतना मतलब शफा वाला पानी है, अभी मैं आपको पी के दिखाऊंगा। शायद जो है ना, आप तो वो नहीं पी सकते क्योंकि बहुत दूर दूर है। ये अक्सर जो है ना, हम यहाँ से लेके जाया करते हैं, लेकिन जब से ट्यूबवेल हमारे घर के पास खुल गया है, हम यहाँ से नहीं लेके जाते, लेकिन महीने में हम
ज़रूर एक बार लेके जाती है। ठीक है, चश्मा बंद कर। इस पानी में ये देखें आप मछलियाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, इस पानी में, और ये कितना साफ पानी है, ये जैसे लग नहीं रहा कि मैं पानी के ऊपर से वीडियो बना रहा हूँ। इस तरह लग रहा है कि एक ज़मीन है खुशक और उसके ऊपर जो है ना मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये हम पानी अब इस गैलन में भरने लगे हैं। मैं घर से लेके आया हूँ, ये चश्मे वाले पानी जो है ना घर वाले कहते हैं कि यार लेके आना, ये कुदरती पानी है। ठीक है, और इसमें जो है ना बहुत सारी शफाएँ भी हैं। अक्सर आपका अगर विज़िट हुआ शदरे की तरफ या किसी यूनिवर्सिटी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ, तो प्लीज़ काइंडली इधर आना मत भूलिएगा, क्यों कि इधर आके आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, नाज़रीन ये पानी हमने भर ली है, अब इसका ढकना नहीं है, तो हम इस शॉपर को इसके ऊपर किसी तरह करेंगे ताकि बाइक पे जो है ना जाते हुए हमें, अब ये इसका तरीका मुझे तो नहीं आता, लेकिन हम बांधने की कोशिश करेंगे कि ये बाइक पे हमें मुश्किलात ना हो। नाज़रीन ये दीवार में आपको बता रहा हूँ, ये जब गांव वालों ने पाइप लगाए पानी के अपने घर की घरों की तरफ से लगाए जो, तो फिर इन्होंने ये टंकी बना दी थी कि कोई भी बाहर से आके यहाँ से पानी ना भरे, लेकिन जब ये टंकी लगा के इन्होंने बंद किया है तो ये पानी भी सूख गया है। ठीक है, तो फिर उन्होंने आके यहाँ पे दबाव वगैरह करके ख़त्म करके जो है ना ख़त्म पड़वा के, ठीक है, दबाव वगैरह करवा के तो ये दीवारें तोड़ी हैं उन्होंने ये। ठीक है,